1817 में आज के दिन जर्मनी के विख्यात इतिहासकार और अध्ययनकर्ता थियोडोर मोमसेन का जन्म हुआ। 1872 में आज के दिन पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला गया था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच होने वाला यह मैच वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड क्रिकेट मैदान में हुआ था। 1874 में आज के दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ था। विंस्टन चर्चिल सेना में अधिकारी रह चुके थे। वह इतिहासकार, लेखक और कलाकार भी थे। वह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1900 में आज के दिन मशहूर लेखक ऑस्कर वाइल्ड का निधन हुआ था। 1931 में आज के दिन मशहूर भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर का जन्म हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद थापर ने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में डॉक्टर की उपाधि हासिल की थी। भारत के इतिहास, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास विवेचना इनकी बेहतरीन रचनाएं हैं। 1982 में आज के दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक लेटर बम फटा था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर दफ्तर में मौजूद थी, लेकिन उस धमाके में उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। 1994 में आज के दिन पर्यटन जहाज आशिले लाउरो सोमालिया के नजदीक सागर में आग लगने के बाद डूब गया। 1995 में आज के दिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उत्तरी आयरलैंड का दौरा किया था। 2012 में आज के दिन भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन हुआ था।